आप सभी का स्वागत है हमारे बॉलीवुड पैसेंजर में। आज हम बात करेंगे आयुष्मान खुराना की फिल्म ने पकड़ी एरोप्लेन से भी ज्यादा की रफ्तार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 को लेकर काफी बज बना था। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद बज का असर बॉक्स ऑफिस पर नजर आ रहा है। फिल्म ड्रीम गर्ल 2 को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म ने रिलीज के 6 दिन में 60 करोड़ रुपए के आंकड़े के करीब पहुंच गई है। आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे की फिल्म के सामने गद्दर 2 लगी है। इसके बावजूद फिल्म ने अच्छी कमाई की है। आइए जानते हैं आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 ने अब तक कितने करोड़ का कलेक्शन अपने नाम किया है। आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 25 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है जो अभी तक जारी है। फिल्म ने बीते बुधवार को 7.50 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। इस तरह से फिल्म अब तक 59.50 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 के 6 दिन के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो पहले दिन 10.69 करोड़, दूसरे दिन 14.2 करोड़, तीसरे दिन 16 करोड़, चौथे दिन 5.42 करोड़, पांचवें दिन 5.87 करोड़ और छठे दिन 7.50 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है आयुष्मान खुराना की फिल्म। आप सभी को बता दें आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 के सामने बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल और अमीषा पटेल की ब्लॉकबस्टर फिल्म गद्दर 2 लगी। हालांकि फिल्म ड्रीम गर्ल 2 को अच्छी रिस्पॉन्स मिल रही है जो कि मिलना चाहिए। राजेश अंडील के डायरेक्शन में बनी फिल्म ड्रीम गर्ल 2 में आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे के अलावा परेश रावल, विजय राज, राजपाल यादव, अनु कपूर, अभिषेक बनर्जी और मनजोत सिंह भी महत्वपूर्ण भूमिका में है। तो इस पे आपकी क्या राय, इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते चलते वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ।